मेरे को ऐसी फिजिक से ऐसी फिजिक को अचीव करने में 70% रोल डाइट कर रहा है एंड 30% वर्कआउट, प्रॉपर रेस्ट, कंसिस्टेंट वर्कआउट। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो कोई भी मेरी जैसी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। बट द इशू इज, हम सब में से काफ़ी लोग स्टूडेंट्स हो सकते हैं या जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो सप्लीमेंट्स ले सके या डाइट पर ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फूड बताने वाला हूँ जिससे आपको कम पैसों में आप अपनी डाइट मेंटेन कर सकते हो। वैसे तो हर किसी की कैलोरीज रिक्वायरमेंट अलग होती है, गोल्स अलग होते हैं। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको अपनी डाइट कैसे कम पैसों में मैनेज कर सकते हो। आई हैड मेड दिस चार्ट। इस चार्ट में मैंने फूड आइटम्स बताए हुए हैं कि आपको क्या क्या खाना है, आप जो खाओगे उससे आपको कितनी कैलोरीज मिलेगी, उसमें क्या क्या मैक्रोज होंगे यानी कि उसमें प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट कितना कितना होगा, उसकी आपको डेली कॉस्ट कितनी पड़ेगी, मंथली कॉस्ट कितनी पड़ेगी और जब आप उसको महीने में खरीदने जाओगे तो आपको कितना कितना खरीदना है, सारी डिटेल्स इस चार्ट में है। अब इसमें है क्या क्या, इसमें है दलिया 1 बाउल 100 ग्राम, ब्राउन ब्रेड 2 स्लाइसेस खानी है दिन की, स्वीट पोटैटो क्योंकि आप 2 पीस खा सकते हो यानी 100 ग्राम के 2 पीस, चना, मूंग, सोया मिक्स। अब ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मैंने बहुत खाया, जब स्टार्टिंग में मैं सप्लीमेंट्स नहीं लेता था तो उस टाइम पर मैं अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इसी से पूरा करता था। मैं रात को चना, मूंग दाल और सोयाबीन की दाल भिगा के रख देता था और दिन में जब वो अंकुरित हो जाती तो अगले दिन खा लेता था। तो 200 ग्राम आप ये खा सकते हो, पनीर 100 ग्राम और पीनट बटर। तो इनमें से शायद ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, सब ऑलरेडी मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, सब नॉर्मल है लाइक दलिया, ब्राउन ब्रेड, स्वीट पोटैटो। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करते हो तो इससे आपको 1700 कैलोरीज के आसपास ईजली मिल जाएगा। अब आप जब ये सब खाओगे, इसके अलावा जब आप 3 टाइम का खाना खाओगे लाइक ब्रेकफास्ट करोगे, लंच करोगे, डिनर करोगे, उससे भी आपको अप्रॉक्स 700-800 या फिर 1000 के आसपास उससे आपको कैलोरीज मिल जाएगी। अब जब आप नॉर्मल खाना खाओगे लाइक लंच में तो आपको, आप चावल खा सकते हो, चावल के साथ दाल खा सकते हो जो घर पर बना है लाइक सब्जियां, हरी सब्जियां, मतलब जो भी घर पर बन रहा है आप उसको अच्छे से खाओ, उसके साथ ये डाइट ऐड करो। जब आप ये सब चीज़ें खाओगे तो ईजिली आप दिन का 2500 से 3000 कैलोरीज ईजिली पूरा कर लोगे। और जब आप इतनी कैलोरीज खाते हो तो इससे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो ईजिली पूरी हो जाएगी। अभी आपको कितने का पड़ेगा मंथली का, मंथली का आपको 2000 के आसपास आपको खर्च करने पड़ेंगे और 2000 में आप अपने पूरे महीने की डाइट खरीद सकते हो। दिन का आपको 70 रुपये के आसपास पड़ रहा है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, फोन में सेव कर लो, जब नेक्स्ट टाइम आप शॉपिंग करने जाओ तो ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हो। फालतू की चीज़ों पर पैसा वेस्ट मत करना। महीने के अगर आप 2000 रुपये सेव करते हो, 2000 रुपये अपने डाइट पर खर्च करते हो तो उससे आप अपनी अच्छी खासी बॉडी बना सकते हो। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है आपके माइंड में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर आप मेरे को इंस्टा पे डायरेक्ट DM कर सकते हो, वहाँ मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।